हेलो दोस्तों, मैं नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम के प्रिपरेशन के ऊपर है। तो जैसे कि सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पे, एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफ सिलेबस पढ़ने लगते हैं जो इसका कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल, कोई पता चला कि आपका रिस्क पढ़ने लग गया, कोई पता चला ट्रेजरी पढ़ने लग गया है, जो ये सब चीजें आपके इस बैंक के पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, आपको समझना है एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना होगा, उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ रहेगा। और चूंकि मुझे 10 साल हो रहे हैं बैंक में काम करते हुए, और स्टेट बैंक तो सबसे बढ़िया बैंक है, आप जानते ही हैं, और यहाँ पे लोगों का ड्रीम भी है काम करना, और मैं क्रेडिट में ही काम करता हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंग्लिश से 50 मार्क्स आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज 75 मार्क्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग कंटेस्ट का यहां से 50 मार्क्स आएगा आपको। तो तीन चीजें आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आपने ये सही से कर लिया तो मेरा ये मानना है कि आप रेस में सबसे आगे हो जाएंगे, और ये करने से आप हो जाएंगे क्वालिफाइड। हो सकता है अभी आपका एग्जाम कहीं को निकल नहीं रहा हो, तो बट ये चीज अगर आप कर लें ढंग से प्रोफेशनल नॉलेज, मेरा मानना है कि 100% हो जाएगा आपको, 100%। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, ये भी पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश। सबसे पहले हम प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी लोगों का वीक जोन होता है, और इसी में टाइम टेकिंग है, ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आपको, जो टाइम टेकिंग है, एक नया चीज आप पढ़ रहे हैं, नया चीज है सब कुछ, तो समय लगेगा। ठीक है, समय दीजिए, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, उसके लास्ट में इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, तो जिस किसी को भी करने का इच्छा है तो ये क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज सारी अवेलेबल होती है। इन सारी चीजों में क्या होता है, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती है, आप कोर्सेस इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली फोन कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर हो गया 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.bankpocourse.in, और ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ठीक है ना, थैंक यू।